नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के कमांडरों से उभरते खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में प्रखंड विकास परिषद चुनाव के लिए प्रचार समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। भारत बांग्लादेश हितधारकों की पहली बैठक में व्यापार और संपर्क को बेहतर करने पर जोर। जापान के नए सम्राट नारुहितो ने टोक्यो में भव्य समारोह में सिंहासन औपचारिक तौर पर संभाला और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली कल बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौसेना को समुद्री व्यापारिक मार्गों SLOC की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि SLOC भारत को 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जीवन रेखा है। आज नई दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कमांडरों से तटीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा तथा उसे और मजबूत करने को कहा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारा यह सी रूट जो समुद्री क्षेत्र है वह इंडियन नेवी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारी इंडियन नेवी का भी यह संकल्प है कि किसी भी सूरत में 26/11 इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए या किसी भी सूरत में न दोहराया जा सके, एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने बुरी निगाह से उसकी ओर देखने की कोशिश की तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके अंदर वह कुवत है, वह ताकत है जो भारत को बुरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के राजपुरा अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज शाम हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने अवंतीपुरा में आतंकवादियों के होने का सुराग मिलने पर कार्रवाई शुरू की। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध स्थान पर घेराव के बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों के लोगों ने कश्मीरी युवाओं के सपनों को पूरा नहीं होने दिया और उनका जीवन तबाह कर दिया। राज्यपाल ने लोगों से सच्चाई समझने और राज्य में शांति तथा प्रगति के लिए केंद्र के प्रयासों का साथ देने की अपील की। आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मलिक ने कहा कि हुर्रियत और अन्य मुख्य धारा के दलों के नेताओं के बच्चे अच्छी परवरिश में हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चों को बताया जाता है कि उनका मरना जन्नत में जाने के बराबर है। किसी का बच्चा नहीं मरा है, किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। आम आदमी के बच्चों को अल्लाह का और जन्नत का रास्ता दिखाइए और उनको मरवा दीजिए, यही यहाँ होता रहा। मैं कश्मीर की जनता और यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सच को समझने की कोशिश करो। दुनिया का सबसे खूबसूरत खिता आपके पास है, दिल्ली कहीं नहीं ले जाएगी, दिल्ली ने तो आपके लिए थैली खोल रखी है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, उसमें हिस्सेदारी करो। जम्मू कश्मीर में प्रखंड विकास परिषद BDC के चुनावों का प्रचार आज समाप्त हो गया। इस महीने की 24 तारीख को BDC अध्यक्षों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 1065 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 1092 नामांकन पत्र सही पाए गए। 27 लोग अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चुनाव में 26,629 मतदाता हैं, जिनमें 8,313 महिलाएं हैं और 18,316 पुरुष हैं।
वोटों की मतगणना 24 अक्टूबर को ही शुरू की जाएगी और चुनाव परिणाम उसी दिन देर शाम तक आने की उम्मीद है। खंड विकास परिषद का चुनाव जम्मू कश्मीर राज्य में होने वाली अंतिम चुनावी प्रक्रिया होगी, क्योंकि 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों का रूप लेगा। चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। खंड विकास परिषद चुनाव के लिए गुप्त मतदान कराने के लिए मतदान पेटियों का प्रयोग किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। महाराष्ट्र हरियाणा जनादेश 2019। कौन पहनेगा जीत का ताज? आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे विधानसभा चुनाव परिणामों का ताजा हाल। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से प्रार्थना। औरंगाबाद से रमेश जायभाई। पुणे से आकाशवाणी समाचार के लिए नितिन केळकर। नागपुर से गौरी मराठे। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा। आकाशवाणी समाचार के लिए करनाल से जितेंद्र द्विवेदी। रोहतक से प्रतीक श्रीवास्तव। साथ ही विशेषज्ञों से चुनाव नतीजों का सटीक और गहन विश्लेषण। 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार सवेरे 8:30 से दिन में 2 बजे तक और रात 9:30 से 10:30 तक केवल आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। चलो ये दिवाली कुछ अलग तरह मनाते हैं। अपनों को आयुष्मान का वरदान दे आते हैं। बीमारी के अंधेरे को मुफ्त उपचार से हटाते हैं। एक दीप स्वास्थ्य का अपनों के बीच जलाते हैं। चलो ये दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। घर जाने से पहले प्रेस वाले भैया से मिलाते हैं। गाड़ी पार्किंग वाले भैया तक ये संदेश दे आते हैं। काम वाली दीदी से, दूध वाले भैया से मिलाते हैं। आयुष्मान रेनबो, चलो ये मंत्र दे आते हैं। दीप जला स्वास्थ्य के बीमारी का डर मिटाते हैं। चलो ये दिवाली कुछ इस तरह मनाते हैं। अपनों को आयुष्मान का वरदान दे आते हैं। 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वरदान मिला। इस त्योहार अपनों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताकर मुफ्त उपचार का उपहार दें। योजना में पात्रता जानने के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें अथवा pmjay.gov.in वेबसाइट पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने कहा है कि बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के बीच भौतिक संपर्क ढांचों और लोगों के बीच संपर्क से दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा। आज असम में गुवाहाटी में भारत बांग्लादेश हितधारक बैठक में भाग लेते हुए टीपू मुंशी ने कहा कि बेहतर संपर्क ढांचे से प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और निर्यात के अवसर में वृद्धि होगी तथा इससे लोगों को उचित दाम पर वस्तुएं मिलेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत बांग्लादेश बैठक में दो देशों के बीच बेहतर व्यापार और कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज गुवाहाटी में सड़क समझौते, सीमा पार सतह मार्ग व्यापार और बंदरगाह उपयोग समझौते सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बांग्लादेश के साथ असम के लोगों ने जो रिश्ता साझा किया है वो गर्मजोशी और स्नेह से भरा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए भारत का प्रयास निश्चित रूप से बांग्लादेश और म्यांमार को भी लाभान्वित करेगा। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में उर्वरकों का जरूरी और संतुलित इस्तेमाल समय की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में खादों के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि कार्यों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट दर्ज की गई है। हमारे देश में खेती का GDP में बड़ा योगदान है, लेकिन इस योगदान को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे किसान बंधुओं को विचार करने की आवश्यकता है, क्या देश की विकास दर में जो 14% खेती का योगदान है, यह हम परिश्रम पूर्वक 50% कर सकते हैं क्या? तो GDP में बहुत बड़ा योगदान खेती के क्षेत्र का हो सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार बच्चों के लिए वैश्विक प्रतिरक्षण के अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेगी। उन्होंने कहा कि देश के 90% बच्चों का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। अब लक्ष्य देश के 100% बच्चों को टीके लगाने का है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रजत जयंती के बारे में उन्होंने बताया कि इस महीने की 31 तारीख को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रजत जयंती मनाई जाएगी। देश में जो वैक्सीन्स बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, वो निशुल्क होने के बावजूद भी सरकार की व्यवस्था का वो लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम ये संकल्प लेते हैं कि एक भी बच्चा जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज से प्रभावित न हो, क्योंकि उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की फ्री वैक्सीन नहीं मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019, दोनों राज्यों की जनता ने किस पर जताया भरोसा, देखिए DD न्यूज के साथ हर मतगणना केंद्र से लाइव रिपोर्ट, स्पष्ट रुझान और सही नतीजे, सबसे विश्वसनीय कवरेज। जनादेश 24 अक्टूबर सुबह 7 बजे से सिर्फ DD न्यूज पर। जापान के नए सम्राट नारुहितो ने टोक्यो में एक भव्य समारोह में औपचारिक तौर पर जापान का सिंहासन संभाला। 59 वर्षीय सम्राट ने अपने पिता तथा तत्कालीन सम्राट आकिहितो के गद्दी त्यागने के बाद मई में ही आधिकारिक रूप से कार्य संभाल लिया था। टोक्यो में शाही महल में अनेक परंपरागत अनुष्ठानों के बाद आज उन्होंने औपचारिक रूप से गद्दी संभाली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने सरकार की आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि परिवार में किसी के बीमार होने पर पूरा परिवार असमर्थ न हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर बनर्जी के भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित करके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रबंधन ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करके काम पर लौटने की अपील की है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया। 1984 बैच के अधिकारी ब्रजराज शर्मा को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव नंदन सहाय नए ऊर्जा सचिव होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 33 महीनों तक संचालन देखने के बाद प्रशासकों की समिति COA कल से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी और सौरभ गांगुली के नेतृत्व में बोर्ड के नए पदाधिकारी अपना कार्यभार संभालेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और 202 रन से हराकर रांची क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत ने श्रृंखला 3-0 से जीतकर टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार क्लीन स्वीप किया। उत्तर पूर्वी मॉनसून तमिलनाडु, पुदुचेरी और आसपास के इलाकों में काफी सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई में बताया कि अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। नीलगिरी, कोयम्बतूर, थेनी, तंजावरम, नागपट्टिनम में अगले 24 घंटे में भारी वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के कमांडरों से उभरते खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारत बांग्लादेश हितधारकों की पहली बैठक में
व्यापार और संपर्क को बेहतर करने पर जोर। जापान के नए सम्राट नारुहितो ने टोक्यो में भव्य समारोह में सिंहासन औपचारिक रूप से संभाला और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली कल बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।